सॉरी बोल। अबे सॉरी बोल, चल पहले सॉरी बोल, सॉरी हाँ सॉरी बोल, सॉरी पहले कहा बात कर रहा है ढक्कन सिंह यार, तेरी मेरी शर्त हो गई, शर्त हो गई तेरी मेरी अभी। अरे तो नुकू मार हैंडल को, आराम से आराम से आराम से आराम से, गड्ढा गड्ढा एकदम से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव चैट। तो भाई लोग, लास्ट वीडियो का मैंने एंड किया था यहीं पर, और यहीं से न्यू वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिस वजह से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ, क्या क्या बताने वाला हूँ। ओम पर्वत मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया, इस व्लॉग में भी मैं आपको देता हूँ। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर, जो कि ओम पर्वत का एंड ऑफ द पार्ट है। मतलब यहाँ तक टूरिस्ट आ सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आगे चाइना बॉर्डर है, और भाई इसको बोला जाता है नाभी डांग। नाभी डांग से आगे आप जब जाओगे तो भाई आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर्मी को अलाउ है। अब इसके बाद में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। इसको, इस जगह को नाभी डांग क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर और कौन कौन से पर्वत हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और भाई इस जगह की बहुत सारी खासियत हैं जो मैं आपको इस व्लॉग के थ्रू बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि इस जगह को नाभी डांग क्यों बोला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस जगह को नाभी डांग किस लिए बोला जाता है, नाभी डांग इसलिए बोला जाता है, देखो आपको ना सामने ये जगह दिख रही होगी ना, ये सामने मैंने लास्ट वाले टाइम पर बताया था, इसमें ना आपको दिखेगा एक नाभी टाइप की बनी हुई है, और कहा यह जाता है ये ना विष्णु जी की नाभी है, जिसको नाभी डांग बोला जाता है। और जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ना, सामने भी बादल आए हुए हैं, वहाँ पे भी दिखाऊंगा एक पर्वत है, उस पर्वत का क्या नाम है वो मैं आपको आगे बाइक पे बैठ करके ही बताऊंगा। तो अभी इससे नीचे चलते हैं, फिलहाल तो आप ये देखिए, इसे नाभी डांग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो जगह है, ये जो नाभी शेप में बनी हुई है, इसको ना विष्णु जी की नाभी कहा जाता है, और ये पूरा विष्णु जी की तरह ही ना, जैसे विष्णु जी लेटते हैं उस तरह से पहाड़ बना हुआ है। सो गाइस, जहाँ पर हम आए थे ना, ओम पर्वत जो मंदिर है आर्मी का, वहीं पर ना होम स्टे वगैरह हैं और रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का होम स्टे ही है, और यहाँ पर ना खाने के लिए हमें फिर से समोसा मिला है, समोसा खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है दो दिन से हमने कुछ खाया नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ यही खा रहे हैं। तो देखो गाइस, मैंने आपको ओम पर्वत दिखाया, आदि कैलाश दिखाया, और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है कुछ ही सालों में, उसी के लिए ना ये रोड बनाई जा रही है। ये जो भी रोड जा रही है ना ऊपर, यहाँ से आगे ना ये जो बैरियर गेटिंग हो रखी है, इसके आगे आप हम नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ आर्मी अलाउ है, और पीछे जा कर के ना भाई, वहाँ से अगर आप आर्मी को अलाउ है, लेकिन ये जो रास्ता जाता है वो जाता है सीधा का सीधा कैलाश मानसरोवर पर्वत, और यही रूट ओपन होने वाला है कैलाश मानसरोवर के लिए। और क्या आपको पता है कि यहाँ पर ना तीन देशों की सीमाएँ लगती हैं, वो कौन कौन से देश हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला इंडिया है, दूसरा नेपाल है, और तीसरा जो है वो है भैया आपका चाइना। क्योंकि देखो, ओम पर्वत जो है सामने आपको दिख रहा होगा, ओम पर्वत हमारी देश की सीमा में आता है, और ये ओम पर्वत के जस्ट पीछे जो दिख रही होगी पहाड़ी, ये चाइना में आती है, और इधर की साइड जो दिख रही होगी ये आ रही है नेपाल के अंदर, और यहाँ से रास्ता ऊपर जाकर यहाँ। और पता, आर्मी वाले भैया अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ से ना चाइना वाले रास्ता बनाने नहीं देते, कुछ ना कुछ उंगल करते रहते हैं, जबकि हम अपने सीमा में रास्ता बना रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ लकड़ी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लड़ाई विड़ाई चलती रहती है, इसीलिए ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता से रहना पड़ता है आर्मी को। परिंदा उठा सकता है इसको, बस हट जा, बस अब जाट पावर दिखानी पड़ेगी तुझे, बेंच चल सिद्धि रख, सात फुट कितने फुट गया तू साले, रुक जा, वहां भी गए साढ़े सात फुट क्या है, चल हट गाड़ी पर आ रही है, चल हट। हुआ क्या, इस मर गया पहिया, ये हैंडल हैंडल लड़ गया, छोड़ दे अब कहीं नजर आई, मैंने भी करनी है बिना। और भाई लोगों, ये जो आपको बीच में बीच चोटी सी दिख रही होगी, इसको बोलते हैं नाग पर्वत, शेषनाग पर्वत। शेषनाग पर्वत क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वाला है नारायण पर्वत नाभी वाला, और ये है नाग पर्वत। इसी तरह से ना पे यहाँ पर काफ़ी सारे पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं,
और अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखानी बाकी हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ना एक गुफा भी है वेद व्यास जी की, वो गुफा भी मैं इस बार आपको दिखाऊंगा। लास्ट ब्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाया था अभी, लेकिन अभी नीचे जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको वेद व्यास गुफा के भी दर्शन करा देंगे, मतलब वेद व्यास गुफा भी दिखाएंगे, जहाँ पर ना गणेश जी को वेद व्यास जी ने ना पूरी पूरी महाभारत लिखवाई थी। तो चलो चलते हैं, डर लग रहा है क्या गिर ना जाऊं। और भाई इतनी डेंजर रोड है ना यहाँ की, बस क्या ही बताऊं, बहुत ही खतरनाक मामला है यहाँ का। तो देखो ऑफ रोड ही ऑफ रोड है पूरी पूरी, और कुछ है ही नहीं भाई। ऊपर से गोप्रो का एंगल ना दचकियों में ना नीचे हो जा रहा है, मैं गिरते गिरते बचा हूँ दो तीन बार इस गोप्रो को सेट करने के चक्कर में। अब देखो इस पे मैं कहाँ को निकालूं इस रोड को। ओ भाई 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 भाई, चढ़ाने में आसानी होती है भाई, लगता है कि चढ़ाने में आसानी नहीं है, लेकिन चढ़ाने में आसानी होती है, जब उतारता है ना बंदा बाइक को तब पता चलती है कि क्या माहौल बनने वाला है भाई। लेकिन सच बताऊँ ना, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इतने मस्त मस्त नज़ारे आ रहे हैं, बस क्या बताऊँ। लेकिन पता है क्या है? मेरा ना तीन चार दिन से व्लॉग नहीं आया, तीन चार दिन से वीडियो नहीं गई है चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर ना नेट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ नेट चलता ही नहीं है, चलता है तो सिर्फ VSNL और VSNL, जियो के भी कहीं कहीं किसी जगह पे पकड़ लिए तो वहाँ पे भी 4G आते, 5G नहीं आते, या फिर यहाँ पर एक सिम बढ़िया चलती है वो है नमस्ते, वो भी कहाँ की, नेपाल की, नेपाल के टावर यहाँ बहुत बढ़िया आते हैं, नेपाल की सिम अच्छी चलती है यहाँ। क्या हुआ सर, एंट्री जाने की एंट्री है ये? AF और ये लिखिए इधर, चला के निकल फिर पीछे रह जाएगा, नहीं तो मांगता फिरेगा मैं। 74-76। तो भाई देखो अब हम यहाँ से भी निकल गए, आगे एक मंदिर पड़ता है काली माता का मंदिर, उस मंदिर को भी आपको दिखवाता हूँ, एक व्यास गुफा भी वहीं से दिखती है वो भी दिखवाता हूँ। देखो ये है काली माता का मंदिर, जय माता दी, हे माता रानी सब कुछ सही सलामत रखना, हर हर महादेव। तो देखो वहाँ ना ऊपर अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे है वेद व्यास गुफा। सो गाइस देखो ये आपको दिख रही होगी ना सामने जो दिख रहा है, ये वेद व्यास गुफा है, और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई इसमें ना आपको एक त्रिशूल भी गड़ा हुआ दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ना यहीं पर महाभारत लिखी गई थी, देखो ये वेद व्यास गुफा, ये रही इसमें एक त्रिशूल भी गड़ा हुआ है मुझे दिख रहा है यहाँ से। सर वेद व्यास गुफा कहाँ है यहाँ? ये ना सामने इधर, ये वाली है ना, त्रिशूल न हमारे बस के कहाँ रखा जाना, हम जा सकते हैं ऊपर, है जाने का ऑप्शन? अच्छा 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 ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई देखो जो मैं बता रहा था आपको वही है वेद व्यास गुफा, उसमें त्रिशूल भी दिखाई दे रहा था अंदर। और भाई यहाँ पर फोर्स बहुत मिलेगी आपको, आर्मी बहुत मिलेगी, राइडर लव जाट का वेट किया जा रहा है। तो भाई हम तो निकल आए, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। भाई साहब धुआं उड़ा दिया पूरे का पूरा मैंने, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, आओ बेटा मैं नहीं निकालूंगा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जुटाए सही पल, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कह रहे हो? मैं ना आने का भाई, मैं ना आने का, मैं ना आऊं, मैं देखूंगा मजा। इधर को लेकर, इधर को बीच में बीच में बीच में, अबे बीच में भगा के ना, भगा के भगा के भगा के निकाल एकदम। फंस जाएगा सुन, पीछे ले जा पीछे ले जा,
मैं आ रहा हूँ पीछे ले जा, अबे गड्ढे में फंसा लेगा तू यहाँ, पीछे पीछे ले जा, मैं निकालता हूँ, ले जा लेकर आ तो फिर। अरे क्लच छोड़ के भगा ना, अरे गड्ढे को निकाल ले तू, अरे सारा भीग जाऊंगा, चल चल गड्ढा है गड्ढा, चल कहीं ना जाने का। यहां तक लिया, अरे तो नुकुमार हैंडल को, अरे रहेगा तू चल सीधा ला, चढ़ा चढ़ा चढ़ा। अबे भाई मेरा जूता, मेरे पानी भर जाएगा, कपड़े गिल्ले हो गए, ये बात। चल 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 क्ले छोड़ दे, चल चल मैं चुड़ैल को घुमाए से। मैं तू भी काहे बात का राइडर है यार भाई, ये पैर पोशन है। अरे उड़ाता हुआ लाता नहीं निकल जाती यार, क्या लाता उड़ाता हुआ जैसे हम ना ले गए, कुदाती हुई ले गए। अभी देख, अब देख मेरे शेर को, शेर कैसे लेकर आएगा, मुझे तो देखो शान दिया, मेरा शेर आएगा अब देख निकाल के। वाह वाह शेर आजा, आजा शेर आजा, अब देख जहां तुझ पर ना निकली ना, वहां देख कैसी निकल के आएगी। अभी आराम से आराम से आराम से आराम से, गड्ढा गड्ढा एकदम से। ले 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 झुंझुना ले रे मेरा झुंझुना, अबे ढक्कन, अबे राइडर डूब मर इस पानी में, चुल्ला और पानी में डूब जा इसमें। अबे राइडर भाई निकाल दी गाड़ी पहली बार नहीं, मेरे कहीं में घुस गया अंदर सारा। देखो भाई यार, देखो मैं मालूम लेके आ रहा था, ये यूं कह रहा आपका भाई आरसी लेके आया। अरे सुनो सुनो भाई, तो निकलती नहीं। अरे सुनो शर्त लगा रहा है, कह रहा है किसी को हॉल की लगी है। अरे सुनो ये कह रहा शर्त होगी तेरी मेरी, निकाल दो इसकी बाइक को भी ना निकाल सकता मैं, एक झटके में पार कर दूंगा ला तेरी मेरी शर्त हो गई। एक गोप्रो कौन सा, मैं उस गोप्रो की मैं क्या करूंगा, ये पेनियर सारे मेरे, ये सारे पेनियर मेरे, निकाल देगा जल्द तेरी मेरी शर्त हो गई। अरे पैर में कह रहा पैर में टेक जाओ, मैं तो टेक नहीं थी, मैं पैर में टेक ऐसी कुदाक निकाल दूंगा जा, या तो पैनियर तू मेरे रख लिया, मैं तेरे रख लूंगा बोल। अंशुल शर्त लगा रहा मेरे साथ, यू कह रहा गोप्रो 8 तेरा, मैंने कहा टूटे होगा क्या लूंगा, मैंने कहा या तो पैनियर सारा सेटअप तू छोड़ दिया, नहीं मैं छोड़ दूंगा। और सुन ये भी शर्त हो गई, सुन ये भी शर्त हो गई, मैं अपने पैर भी नहीं टेकने का जा, मुझे क्या मतलब, वो मेरा मतलब कहां से निकालूंगा, जहां से तैने निकाली थी वहीं से निकाल कर लाया ना, मैं भी अपनी जहां तैने निकाली वहीं से निकाल कर लाया ना। अब इसकी हवा टाइट हो गई, पहले शर्त लगा रहा, यू कह रहा हे हो ही, तू बिना शर्त के निकाल गाड़ी इसकी, मैं क्यों निकाल लूं बिना शर्त के, बुद्धि खराब है, घर को चल रहे चल ला दे, अपने मुंह से, अपने मुंह से ये बोल दे मैं सॉरी बोलता हूँ, बोल सॉरी सॉरी बोल, भाई एक टूरिस्ट और फंस रहे हैं, बाइक्स आए थे लेडीज और जेंट्स, उन्हें मैं बता रहा हूँ कहाँ से निकलना है, साथ साथ आ रहे हैं दोनों बड़े भाई, यहाँ से यहाँ से निकल गई। भाई डूब मर, अबे डूब मर, पल्सर निकल गई, डूब मर डूब डूब मर यार, जा रहा ये लो बेइज्जती हो गई यार, डूब मर तू, हिमालयन चल रखेंगे, ऑफ रोडिंग बाइक चलानी आती ना है, धक्का दे के निकाला, अरे गाड़ी यहाँ पे निकाल दी ना, यहाँ पत्थर गहरा है यहाँ पे। अरे सुन कितनी सफाई देते तू, डूब मर, चलो चल चलो चलो चल, माफी मांग ले, हम मान ले, हमने मान ली, तू माफी मांग रहा चल, तेरे बस की ना कुछ भी, हवाबाजी कर सका है तू, तू हवाबाजी कर सका है बस। अबे तूने अपने बंदे को उतारवा दिया, धक्का लगवा ले, वो बेशरम कहाँ जा रहा है, इज्जत छुपा रहा है अपनी, मुंह छुपा रहा है।
भाई ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ। और पूरे का पूरा रोड ऐसा ही है, हमें भी पहुंचना है भाई पांगला से, क्योंकि हमें अपना बैग उठाना है और भाई फिर पहुंचना है हमें नहीं, पहले हमें जाना है गर्वियांग से अपना पावर बैंक लेना है जो हमारा छूट गया था, फिर हमें जाना है पांगला में हमारा बैग छूट गया था, और फिर हम पहुंचेंगे कहाँ ना, क्या बोलते हैं, धारचूला, और फिर आगे का प्लान आ गया। और हालांकि एक एडेप्टर रोहित भाई के घर में छूट गया है बाइक मेरी, उसका ना चार्जिंग का एडेप्टर टाइप सी वाला, वो रोहित भाई के घर ही छूट गया यार। कितना दूर होगा ओम पर्वत? लगभग मान के चलो अभी 15 किलोमीटर, आधा घंटा एक घंटा लगेगा, एक घंटे से ऊपर एक घंटा लग जाएगा पहुंच जाएगा। अब तो मुश्किल है, जब तक पहुंचोगे अंधेरा हो जाएगा। रूम मिल जाएगा? हाँ, वो होम स्टे मिलेंगे ना। देखो भाई मैंने दूसरे गियर में भी उठा दी, दूसरे गियर में निकल गई है, तो इतना दम है इस बाइक में भाई, मजा आ रहा है कसम से, बहुत मजा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। और अभी तक मुझे ना कहीं भी इसने ऐसा वो होता है ना एक शर्म वाली बात, वो भी फील नहीं कराई है। देख ना भाई हम कैसी कैसी रोडों को आए थे, मेरी तो हालत भी खराब हो रही, नीचे उतारते हुए भाई यहाँ को चढ़ के तो हम आ गए पता नहीं चला, लेकिन उतारने में फट रही है मेरी कि फिसल ना जाऊं, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड बन गई ना बाइक की तो रोकनी भारी हो जाएगी फिर मुझे। और गड्ढे भी हैं बड़े बड़े, देख देख के मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बाइक पे ना बहुत ज़्यादा लोड है, सामान है, तो मुझे ना बहुत संभल के चलानी पड़ रही है। फाइनली फिर भी निकल गई, अब ऊपर चढ़ानी है बाइक सीधी। वाह कसम गोप्रो बड़ा धोखेबाज है यार ये, जब ज़रूरत थी तब तो हुआ नहीं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो कितना टफ है ये, ऊपर से ना ऐसी ढलान थी, और रोड देखो कैसी है यार, हालत ख़राब हो जाए अच्छे अच्छे की। मिल गया पावर बैंक? मिला पावर बैंक? रखा है संभाल के। ठीक है, वहाँ का सामान भी रखा है। अच्छा, अब वहाँ भी जा रहे हैं, जब तो तेजी में जा रहे हैं। पहुँच चुका हूँ गर्भियान, और जहाँ हमने एक दिन स्टे किया था गर्भियान में आंटी जी के वहाँ पे, तो हमारा पावर बैंक छूट गया था। आंटी जी कहाँ है पावर बैंक हमारा? आपने मास्क लगा लिया? कोरोना आ गया फिर से क्या? अच्छा आप कॉफी सब्जी बनाई है? नहीं बनाई। नहीं, और रोटी? कुछ नहीं बनाया। तो भाई यहाँ की लड़कियाँ इतनी मजाक करती, बताओ ये कहाँ से तुम्हें दादी लग रही है? दादी तो आप लग रही है, और लड़की बोल रही मैं हूँ दादी, मेरी बुआ है ना, सभी की दादी है। देखते भाई फाइनली अपना पावर बैंक मिल गया, सबसे खुशी की बात तो ये है पावर बैंक में मिल गया, चार्जर भी मिल गया। तो गाइस अगर आप भी आ रहे हो ना आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए, तो मेक श्योर ये कर लीजिए, मतलब आप ना धारचूला से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी अपना पास बना के निकलिए, क्योंकि यहाँ पर ना इस जगह पर कम से कम डेढ़ दो घंटे लगते हैं भाई साहब। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितनी जब भी आओ ना आप, जितनी बार भी आओ, मतलब जब भी आप आ रहे हो तो कोशिश करना कि 10-11 बजे तक आप धारचूला से निकल आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, फिर आगे जाने में ना रात हो जाती है। हमारे साथ भी लास्ट टाइम यही सीन हुआ था, अगर हमने लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा हो ना यहाँ का आते हुए का, तो वो देखना, हम रात होगी फिर हमें रास्ते में रुकना पड़ा, फिर रास्ते में रुक के फिर हम आगे गए, तो ऐसे करना पड़ा था भाई। इसलिए बोल रहा हूँ आप मतलब जल्दी निकलोगे तो जल्दी सब काम निपट जाएंगे। तो भाई जब तुम इधर से जाओगे तुम्हारे दोस्त पास यहीं जमा करा दिए, देख रहे भाई कितनी भीड़ लग रही है यहाँ, कहाँ तक लाइन लगी खड़ी है, लाइन लगी खड़ी है, कितनी लाइन है भाई, देखो कितने बाइकर्स खड़े हैं यहाँ, दुनिया भर की लाइन लग रही है भाई, दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं यहाँ पर। इसलिए बोलता हूँ जल्दी आओ और जल्दी जाओ यहाँ से, अगर आप लेट हो गए तो लेट ही पहुँचोगे, इसलिए बोलता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा रख रहे हैं भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा, देखो कहाँ तक लाइन लगी खड़ी है। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पर ना जिमनी से हमने बाइकों को उसे गाड़ी को खिंचवाया था स्विफ्ट डिजायर को, मुझे पहले हेलमेट की वो खोलनी पड़ेगी तब। और भाई 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 आराम से, अरे क्योंकि अरे मैं बच के बाल, अरे मेरी भी गिर जाती है बच के बाल बाल, आराम से आऊँ क्या? ये कैसे रुकेगी यहाँ? ऐसे नहीं मुँह घुमा के, अरे ऐसे नहीं उठने की, मुँह घुमा के हैंडल पे, अरे यार रोहित भाई मैं भी कुछ कह रहा हूँ सुन लो मेरी, पहले घूमो पूरे,
ऐसे घूमो, हैंडल पकड़ो एक हाथ से, एक हाथ से नीचे दिंगे पकड़ो और उठा उठाते जाए, सीधे उठते चले जाओ। करो नहीं हो रही, रुक जाओ रुक जाओ, देखो रुक, बाइक रुक जाएगी मेरी, रुक जाओ, रुक गई मेरी बाइक, रुक गई। कल तो यहाँ जब हम इधर से आए थे ना, जिमनी से गाड़ी खिंचवाई थी एक हमने, गाड़ी भी नहीं चल रही थी यहाँ, ये फिर ना गिर जाए कहीं यार, मुझे लग रहा है दोबारा गिरेंगे। देखता हूँ भाई, मैं तो निकाल लूँगा खैर, मेरी कोई दिक्कत ना, मेरे तो पैर आते हैं ना पूरे, और इतना तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है ही। क्या हुआ, नहीं निकल रही क्या? आराम आराम से, आराम से आराम से आराम से, पिछले ब्रेक को पैर रखे रहा हूँ। वो नहीं कर, आप निकलो, मैं तो निकाल लूंगा खैर, गिरता पड़ता मेरे से निकल ही जाएगी। आराम आराम से, यहाँ पर बहुत गंदा रास्ता कर दिया भाई इन्होंने। उधर कहाँ जा रहे हो? आराम आराम आराम, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा देर लगा दिए होंगे ना, अभी करेंगे, रुक जाओ। बहुत ज़्यादा लगा दिए होंगे ना तुमने, गरम हो गए होंगे, गरम। मतलब ब्रेक फेल हो गए इसके, अगले लग रहे थे, कोई से भी नहीं, रुक तो रही नहीं थी खैर, वो धीरे धीरे लगा के छोड़ो, ऐसे करना पड़ता है ना। वैसे यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, चलो यहाँ से उतर जाएगी। जहाँ को मिट्टी ना हो वहाँ को उतारना, इस गड्ढे में मत मारना, पैर रख लो पैर, हल्का 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 हल्का, आराम से छोड़ो, अगले ब्रेक छोड़ो भाई। ये खुद तो गिरेंगे गिरेंगे, मुझे भी गिरवाएगा भाई ये बंदा, देखो मैं ही बच रहा था गिरने से, अभी मैं भी गिर सकता हूँ भाई, कोई भरोसा नहीं है मेरा, वो ऊपर वाले की दुआ से बच गया भाई साहब। रात हो गई है चलते चलते, और अब तो डर भी लगने लग गया, देखो रात में कुछ दिख भी नहीं रहा, अंधेरा और ऑफ रोड है पूरी की पूरी। बस ये है कि हम ना शायद उस गांव के कहीं ना कहीं आसपास ही हैं, दूर नहीं है वो गांव हमसे, जहां तक है तो आसपास ही, जहां भी है हम पहुंचने वाले हैं। बस ये है कि हमारा बैग पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसने ना दुकान बंद कर दी हो। तो भाई फाइनली पहुंच तो गए हम पांगला में, लेकिन हमें ना अभी नीचे जा कर के देखना है कि दुकान अभी ओपन है, बंद तो नहीं हुई। 36 चीज़ें यार, समझ नहीं आ रहा अभी तो, और देखो कितनी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब यहीं खड़ी हैं अभी तो यार, अभी नीचे जाके चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या ना, यहाँ पर ना मेन आधा जो स्टॉप है वो यहीं पे है। देखो ये दुकानें तो सारी बंद हो गई हैं भाई, देखो मुझे तो लगता नहीं उसने खोल रखी होगी अभी दुकान अपनी, मुझे नहीं लगता भाई, संभव सा लग रहा है। बंद भैया बंद, अब क्या किया जाए।
तो भाई यहाँ पर रुके थे हम पांगला में, जहाँ पे हमारा बैग मिला है ना, वहाँ पर हमें खाना खिलाया आर्मी ने। तो अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।